क्या हो गया भाई? हाँ? बड़ा लौला पाया? अभी तो बड़े नरम पड़ गए सब लोग। क्या हो गया? सिट्टी गुल हो गई। नरम पड़ गए सब लोग। वैसे तो सारा परिवार आमंत्रित हो गए हमारे जेल में। कोनो कुछ तो काम हो। चलो कोई ना, एक टास मैं मिलू बोलने का। अपने इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ जी नीतू कांस्टेबल। अब बाहर वाले को कहते सुना, मैं अपनी तारीफ खुद ना करूं। बिल्ली तो मारे खाली पंजा। ओए ध्यान से सुन, बिल्ली तो मारे खाली पंजा, नीतू कर दे पूरा गंजा। मेरे होते हुए कबूतर भी ना सोए जेल में। बस अपना डर है ऐसा। रिबुआ क्या हो गया भाई? बड़ा मुंह लटका के बैठी तू। कोनो खाया रोटी पानी कुछ? देखो भाई, जब खुद को खुजली होवे और मिटा ना सको ना, तो दूसरे को खुजली मिटानी पड़े, है ना? अगर आपकी खुजली आप खुद ना मिटा सको, तो अगर मेरे पास आए हो तो हमारी हथेली तो गर्म करनी पड़ेगी ना तुम्हें। और अगर नहीं कर सकते तो अच्छा, कोनो बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे हमको बता देते, हम आ जाते आपके दरबार में। ऐसी कोई बात नहीं, जने लाई को हमने खामखा तकलीफ दी यहां पे आने की। ओहो, क्या है ना, हम तो खुद रात दिन सोचते रहते कि टंडन जी की खातिरदारी कैसे की जाए। दिन में 10 बार सोचे ये नीतू कांस्टेबल। अब देखो ना, अगर मैचिंग का शौक है तो मैचिंग नेल पॉलिश और लिपस्टिक लगाने का भी तो शौक है, लगा लेती को ना। क्या है ना, थोड़ा बिजी हो गई थी, थोड़ा देखने चली गई थी कि बुआ और चाचा ने खाना खाया कि नहीं खाया। पर कोई बात ही नहीं, हम आपके दरबार में अभी हाजिर हो जाएंगे। कोनो बात नहीं, बस आप हुक्म कीजिए। और हाँ, जरा हमारी हथेली गर्म करते रहिए, फिर सब काम टाइम पे हो, क्या बोलते हैं? अच्छा सुनिए, अभी जाए ना, गरम गरम आपको चाय पिलाएगी ये नीतू अपने राजू किचन से। आप बैठो, खातिरदारी में हम कभी चुके ना। हाँ? और राजू, जरा अच्छी सी गर्म इलायची वाली चाय तो बना।